ठीक है, तो मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो किसके साथ डील करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है ना। तो नया मुद्दा क्या उठता है कि ये ओर्स क्या होती है? तो हमने कहा जो ओर्स होती है वो रॉक्स या फिर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो रॉक्स या फिर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें से वो मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो जाए, जिसमें से वो मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट ठीक है। तो मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी वो ब्रांच ऑफ साइंस होता है दैट डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है ना। ओर्स क्या होती है? वो रॉक्स होते हैं जिसमें से वो मेटल आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मिनरल्स क्या होता है बेटा? मिनरल्स वो नेचुरल रॉक्स होते हैं, अगेन जिसमें कुछ केमिकल कंपाउंड होगा, जिसमें क्या होगा, कुछ केमिकल, इन विच अ गिवन, इन विच अ गिवन मेटल इज फाउंड। कहानी क्या है? बड़ी आसान सी है। पत्थर है, नेचुरली अकरिंग पत्थर, इसमें अगर एक गिवन मेटल मिल रहा है, इसमें अगर एक गिवन मेटल मिल रहा है तो वो क्या है? मिनरल। वो क्या है? मिनरल। वो मिनरल्स जिसमें से वो मेटल आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो मिनरल्स जिनसे वो मेटल आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको आप क्या बोल दोगे? ओर। उसको क्या बोल दोगे? ओर। फिर नया मुद्दा क्या उठता है बेटा? गैंग। नया मुद्दा क्या उठता है? गैंग क्या होते हैं? वो फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है। गैंग क्या होती है? फिजिकल इम्प्योरिटीज। कौन सी फिजिकल इम्प्योरिटीज? डर्ट, डस्ट, अर्थ पार्टिकल्स, जो एक ओर में मिलेंगे, वो फिजिकल इम्प्योरिटी जो एक ओर में मिलेगी। जैसे जब आप पत्थर को तोड़ोगे तो उसमें हमको वो केमिकल कंपाउंड निकालने के लिए इसमें से बहुत सारे अर्थ के पार्टिकल्स क्या करने पड़ेंगे? अलग करने पड़ेंगे। आ रही है? तो ये जो अर्थ पार्टिकल्स होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन अर्थ पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है ना। बोलो, कोई परेशानी? आगे जाएं तो ये क्यों क्या थे? बेसिक कंसेप्ट थे किसके? हमारे हाथ में क्या होती है? ओर होती है। हमारे हाथ में क्या होती है? ओर होती है। अब मेटलर्जी का जो फर्स्ट स्टेप होता है, मेटलर्जी का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? कि जितने भी डर्ट, डस्ट, जितना भी गैंग है उसको जब हम लोग रिमूव कर देंगे, उस गैंग के रिमूवल को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बेसिकली क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर इज नोन एज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब सुनो, जिन स्कूलों में ये पढ़ाया होगा तो तुम्हें कुछ मेथड्स पढ़ाए होंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉथ फ्लोटेशन, और उसके बाद लीचिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं? चार तरीके होते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे कोर्स में कितने हैं? ये तीनों चारों भी नहीं है, बट क्योंकि कुछ स्कूल्स में बढ़ाए हैं तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद, कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू इट्स ऑक्साइड। क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू इट्स ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर वन,
क्वेश्चन नंबर वन, हमें एक ओर को उसके ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करना होता है? ठीक है, एक ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करना होता है, ये स्टेप क्यों जरूरी रहती है, ये वाली स्टेप क्यों जरूरी होती है? तो जवाब क्या है, क्योंकि it is easier to extract a metal from its oxide. कहने का मतलब क्या है, देखो और हर तरह की होगी, कार्बोनेट होगी, सल्फाइड होगी, नाइट्राइड होगी, लेकिन इन सब में से जब आप मेटल अलग करना चाहोगे तो प्रोसेस क्या पड़ जाएगी, महंगी और डिफिकल्ट. तो ऐसे में आसान क्या होता है, आसान ये होता है कि उन इन ओर को आप क्या करो, इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करो और फिर ऑक्सीजन और उस मेटल को क्या कर दो, अलग कर दो, और फिर ऑक्सीजन और उस मेटल को क्या कर दो, अलग कर दो. आ रही है के बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले एक और को काय में कन्वर्ट करना पड़ता है उसके ऑक्साइड में, और फिर उस ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ताकि मुझे क्या मिल जाए, नैवेद्य प्योर मेटल मिल जाए. इज दैट क्लियर? अब ऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए मेरे पास कितने तरीके होते हैं, दो. कितने तरीके होते हैं, दो. एक रहता है क्या, कैल्सिनेशन. एक रहता है क्या, कैल्सिनेशन. और दूसरा होता है क्या, रोस्टिंग. आप बहुत ध्यान से सुनना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इम्पॉर्टेंट है. क्या है ये, इम्पॉर्टेंट है, आने वाला है, आने वाला है, फिर छप चुका है. यही याद है तुमको पूरे सब्जेक्ट में? ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में? आगे जाए. ठीक है, जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल. अब ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है. ऑक्सीजन को हटाने में पिज्जा जब दूर जाता है तो दुख होता है, जब पिज्जा दूर जाता है तो दुख होता है, शक्ल छोटी हो जाती, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन. याद है क्या? ठीक है, तो जब हम लोग बोलेंगे कि हमको ऑक्साइड को काय में कन्वर्ट करना है, मेटल में, मतलब ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन हटाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल. क्या ये कहानी ठीक है? बोलो कोई परेशानी? आगे जाए, अभी तो पार्टी शुरू हुई. अब जब मेरे को क्या करना है, एक मेटल के ऑक्साइड में उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए मेरे पास रिडक्शन के लिए कुछ सामान होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कुछ सामान होना चाहिए. तो हमने कहा देखो तीन तरीके के क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. कितने तरीके के मेटल्स होते हैं, तीन तरीके के. एक कौन से होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, जो कौन से होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उन्हें ऑक्सीजन से प्यार कम होता है, उन्हें ऑक्सीजन से प्यार कम होता है, इसलिए अगर उनमें आग लगा दे तो वो ऑक्सीजन का साथ छोड़कर चले जाते हैं. तो ये मेटल्स कौन से होते हैं, लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. क्या होते हैं, लो इन द जैसे कॉपर है ना, उसको ऑक्सीजन से बहुत प्यार नहीं है. मर्क्यूरी है ना, उसको ऑक्सीजन से बहुत प्यार नहीं है. तो अगर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन साथ में खड़े, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन साथ में खड़े, और इनको किसी ने डराया, क्या आग लगा देंगे, क्या बोला, तो कॉपर किसका साथ छोड़ देगा, मर्क्यूरी किसका साथ छोड़ देगा, क्योंकि कॉपर और मर्क्यूरी को ऑक्सीजन से सच्चा प्यार नहीं है. तो ऐसे में वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़कर चले जाएंगे. तो जो मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते, जो मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते, जैसे कि कौन, कॉपर और मर्क्यूरी, जैसे कि कौन, कॉपर और मर्क्यूरी, वो बाय हीट ही रिड्यूस हो जाते, उनको सिर्फ आग दिखानी होती है, और क्या वो ऑक्सीजन छोड़ देते. हाँ, कुछ रहते हैं मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ क्या होते हैं, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. ये कौन से मेटल्स होते बेटा, ये वो मेटल्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन से प्यार होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है. ठीक है, ऐसे मेटल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, तो हमने कहा देखो इसमें भी दो तरह के मेटल होते हैं, एक जिनको ज्यादा प्यार होता है, एक जिनको थोड़ा कम प्यार होता है. ठीक है ना, तो इसमें
कुछ मेटल रहते हैं जिनको कार्बन के कंपैरिजन में कम प्यार होता है, जिनको कार्बन के कंपैरिजन में क्या होता है, कम प्यार होता है, ठीक है। अब क्योंकि इनको कार्बन के कंपैरिजन में कम प्यार होता है, तो जब कार्बन आता है तो वो ऑक्सीजन को इनसे छीन कर ले जाता है। हाँ, जब कार्बन आता है तो वो ऑक्सीजन को इनसे छीन कर ले जाता है। ऐसे मेटल्स कौन होते हैं बेटा, जिंक और लेड। ऐसे मेटल्स कौन से होते हैं, जिंक और लेड। यानी कि अगर जिंक और ऑक्सीजन साथ में खड़े हैं और ऑक्सीजन और लेड साथ में खड़े हैं, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन छीन कर ले जाएगा। क्या जिंक और लेड अकेले रह जाएंगे? हाँ। क्या हमें इन्हें अकेला ही करना था? हाँ, हम तो एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। क्या आगे जाए, दूसरे रहते हैं कौन से, जिनको कार्बन से तो ज्यादा प्यार होता है लेकिन एल्यूमिनियम से कम होता है। कार्बन से तो ज्यादा होता है, यानी कि कार्बन इनसे ऑक्सीजन नहीं छीन पाएगा, पर एल्यूमिनियम इनसे ऑक्सीजन छीन लेगा। ऐसे कौन से मेटल पढ़ने बेटा हम लोग को, दो, एक आयरन और एक मैंगनीज। एक आयरन और एक मैंगनीज, यानी कि मैंगनीज और ऑक्सीजन खड़े होंगे, और आयरन और ऑक्सीजन खड़े होंगे और कार्बन आएगा, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाएगा क्या? नहीं। लेकिन एल्यूमिनियम आया तो ऑक्सीजन इन दोनों को छोड़ के चले जाएगा क्या? हाँ, आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, आगे जाएं। फिर कुछ लोग रहते हैं मेटल्स हाई इन द रिएक्टिविटी, इनका प्यार सच्चा होता है, कोई भी आ जाए ये और ऑक्सीजन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। एक ये दोनों अपना साथ नहीं छोड़ते। अब क्योंकि इनका प्यार इतना गहरा है तो ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे, ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में इनको इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे। ऐसे में इनको क्या देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे। यानी कि इनका जो रिडक्शन होगा वो कैसे होगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी। इनका जो रिडक्शन होगा वो कैसे होगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी। बोलो कोई परेशानी? यानी कि हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर कॉपर बिल्कुल अलग कर दिया, मर्क्यूरी बिल्कुल अलग कर दिया, जिंक लेड सारे मेटल्स ऑक्सीजन से क्या हो गए, अलग। अब मेरे हाथ में क्या है, प्योर मेटल है। मेरे हाथ में क्या है, प्योर मेटल है। लेकिन इस प्योर मेटल में भी क्या होगी, कुछ इम्प्योरिटीज होगी। इस प्योर मेटल में भी क्या होगी, कुछ इम्प्योरिटीज होगी। और क्योंकि इस प्योर मेटल में भी क्या होगी, कुछ इम्प्योरिटीज होगी, तो इन इम्प्योरिटीज को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, रिफाइनिंग करनी रहेगी। तो इसके बाद जो मेरा लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रिफाइनिंग होता है, जो इन एक्सट्रैक्टेड मेटल्स को भी क्या करने के काम आता है, और ज्यादा प्योर करने के काम आता है। ये जो रिफाइनिंग होती है, ये तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक ही दी हुई है, कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कौन सी देके रखी हुई है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इज दैट क्लियर? देखो मेरी बात सुनो, हाइड्रोलिक वॉशिंग में सबसे पहले हम कहां से कहां स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में सबसे पहली चीज क्या थी, हाइड्रोलिक वॉशिंग। सबसे पहली चीज क्या थी, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करते हैं, एक वुडन स्लैब लेते हैं। क्या लेते हैं, एक वुडन स्लैब लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वुडन स्लैब होता है, ये जो वुडन स्लैब होता है, इसपे मैं क्या करती हूँ, पाउडर्ड ओर रख देती हूँ। इसपे मैं क्या करती हूँ, पाउडर्ड ओर रख देती हूँ। सब जगह मैंने क्या रख दी, पाउडर्ड और रख दी, क्रश करके। तो इससे मैंने क्या रखी, क्रश्ड पाउडर्ड और, ठीक है। फिर इस क्रश पाउडर्ड और पे से मैं क्या पास करूंगी, पानी। क्या पास करूंगी, पानी। बहुत हाई प्रेशर से इस पे हम लोग क्या डाल देंगे, वाटर। क्या डाल देंगे, वाटर। कैसे डालेंगे, एट हाई प्रेशर। कैसे डालेंगे, एट हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर से इस पे हम लोग क्या करेंगे, पानी डालेंगे, तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होंगे, जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वॉश अवे, यानी कि वो पानी के साथ आगे चले जाएंगे। और जो हेवियर पार्टिकल्स होंगे, जो हेवियर और पार्टिकल्स होंगे, जो हेवियर और पार्टिकल्स होंगे, वो स्लैब पे ही रुक जाएंगे, वो स्लैब पर ही
रुक जाएंगे। आ रही है क्या बात समझ में? आगे जाएं, ठीक है ना? तो ये होती है कहानी पहली, कौन सी? हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है ना। दूसरा तरीका होता है बेटा हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा तरीका क्या होता है? मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग सिर्फ कौन सी ओर्स के लिए यूज कर सकते हैं? तो हमने कहा मैग्नेटिक सोर्स सिर्फ हम लोग आयरन और आयरन लाइक ओर्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिनका नेचर क्या होता है? मैग्नेटिक होता है, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। जैसे कि कोबाल्ट और निकल, क्यों? बिकॉज ये भी मैग्नेट से क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। वो ओर जो मैग्नेट से अट्रैक्ट ही नहीं होगी, वो ओर जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी ही नहीं, उनके लिए हम लोग क्या नहीं यूज कर सकते? मैग्नेटिक सेपरेशन यूज नहीं कर सकते। आ रही है क्या बात समझ में? आगे जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक कन्वेयर बेल्ट लेंगे। हम लोग क्या लेंगे? कन्वेयर बेल्ट लेंगे, ठीक है। इस कन्वेयर बेल्ट पे हम लोग नीचे की तरफ क्या लगा देंगे? एक मैग्नेट लगा देंगे। नीचे की तरफ क्या लगा देंगे? मैग्नेट, यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एक मैग्नेट लगा दिया, और यहाँ ऊपर से पाउडर्ड ओर भेजेंगे। ऊपर से यहाँ पे क्या गिराएंगे? पाउडर्ड ओर। अब जैसे जैसे ये कन्वेयर बेल्ट चलेगा तो पाउडर्ड ओर आगे आ जाएगी, और जैसे जैसे पाउडर्ड ओर आगे आएगी तो इसमें जो ओर वाला पार्ट होगा, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होके यहाँ एक हीप बना लेगा। यहाँ पर क्या करेगा? एक हीप बना लेगा। हीप समझते हो? समझ गए ना, ठीक है ना, पहाड़ बना लेगा। और जो गैंग होगा, वो मेटल से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो एक अलग हीप बना लेगा, ठीक है। वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा तो वो एक सेपरेट हीप फॉर्म कर लेगा। आई बात समझ में? तो जो मैग्नेटिक ओर होगी, वो किससे अट्रैक्ट होगी? इट वुड गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और जो नॉन मैग्नेटिक गैंग होगी, वो क्या होगी? अट्रैक्ट नहीं होगी, और क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं होगी तो वो एक सेपरेट हीप फॉर्म कर लेगी। तो दोनों के हीप्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे जाए, थर्ड है तुम्हारा कौन सा? प्रोक्लोटेशन। थर्ड है कौन सा? फ्लोटेशन, ठीक है ना। अब हम लोग जब किसकी बात करते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन की बात करते हैं। जब हम लोग किसकी बात करते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो जैसे मैग्नेटिक ओर जो थी वो ही कैसे सेपरेट हो सकती है? मैग्नेटिक सेपरेशन से। वैसे ही फ्रॉथ फ्लोटेशन स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए। फ्रॉथ फ्लोटेशन स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए। किसके लिए यूज होता है? आई बात समझ में? अब फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं? और इस कंटेनर में हम लोग क्या डाल देते हैं? पानी। इस कंटेनर में हम लोग पानी डाल देते हैं, और पानी के साथ क्या डालते हैं? अगेन क्रश्ड और पाउडर्ड ओर। क्या डालते हैं कंटेनर में? क्रश्ड और पाउडर्ड ओर। तो इसके अंदर हमने क्या डाल दी? क्रश्ड या फिर पाउडर्ड ओर। जब हम लोग इसके अंदर क्रश्ड और पाउडर्ड ओर डालेंगे तो सल्फाइड ओर की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पेसिफिकली जाके किससे चिपकता है? पाइन ऑयल से, ठीक है। सल्फाइड ओर की तनिषा प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पेसिफिकली किससे जाकर चिपकता है? पाइन ऑयल से। किससे जाके चिपकता है? पाइन ऑयल से। जब ये हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं। क्या पास करते हैं? जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो याद है घर वाले तुमको कोल्ड ड्रिंक देते थे और तुम स्ट्रॉ से उसमें बबल बना देते? करा है? घर जाके पानी के साथ भी करके देखे, अभी भी करते हो? वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। तो जब तुम लोग स्ट्रॉ से अंदर पानी डालते थे, मतलब ब्लो करते थे एयर, तो क्या होता था? झाग बन जाती थी। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारी कंप्रेस्ड एयर डाल रहे हैं, तो ये पानी में भी क्या होगा?
झाग बन जाएगी, और ये जो झाग रहेगी ये हल्की रहेगी, जो कॉइन पाइन ऑयल रहेगा उसका डेंसिटी भी पानी से कम रहेगा। तो हम देखा है पानी पे तेल फ्लोट करता है, और तेल से कौन चिपकी होगी, सल्फाइड एयर और सल्फाइड और, क्योंकि सल्फाइड और स्पेसिफिकली किससे चिपकेगी, पाइन ऑयल से। पाइन ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है, तो जो और नीचे होगी जब हम लोग उस पर कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे तो ये पूरा पानी घूमने लग जाएगा और उस पर झाग बनने लग जाएगी, और इस झाग में इस ये जो ऊपर झाग बनी, इस झाग में क्या होगा, इस झाग में हमारी कौन आ जाएगी, और प्लस पाइन ऑयल, क्योंकि पाइन ऑयल की डेंसिटी क्या होता है, पानी से कम होता है, और किससे जाके चिपक जाएगी, पाइन ऑयल से चिपक जाएगी, और इस चीज को हम लोग क्या कर लेंगे, स्किम ऑफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐसे 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 करके झाग निकालते हो ना तुम, इसको क्या कहते हैं, स्किमिंग को। तो और ऊपर से क्या हो जाएगी, स्किम ऑफ हो जाएगी, तो आपका और क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो ध्यान से देखो, ये जितना भी हम लोग ने इस वाले व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा है अभी तक, ये कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारे इसमें नहीं है, किसमें, एनसीईआरटी में ऐसी कोई कहानी नहीं है, पर क्योंकि बहुत सारे स्कूल ने पढ़ाया है तो हमारा धर्म बनता है कि हम इसको पढ़े, ठीक है ना। तो सुनो, लीचिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी ओर का केमिकल ट्रीटमेंट। लीचिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी ओर का केमिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि बाय फिजिकल मेथड्स अगर उसकी इम्प्योरिटीज नहीं जा रही है, बाय फिजिकल मेथड्स अगर उसकी इम्प्योरिटी नहीं जा रही है तो हमें क्या करना रहेगा, हमें उसको केमिकली ट्रीट करना पड़ेगा। लीचिंग हम लोग को जो देखनी है वो किसकी देखनी है, बॉक्साइट की देखनी है। किसकी देखनी है, बॉक्साइट जो रहती है ये किसकी ओर होती है, एल्यूमिनियम की ओर होती है। कौन सी ओर होती है, एल्यूमिनियम की। और यहाँ पे एल्यूमिनियम किस फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है, Al2O3 के फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अब मुद्दा क्या रहता है, इसमें जो इम्प्योरिटी रहती है, इसमें जो वो जनरली किसकी रहती है, सिलिकेट्स की रहती है। किसकी रहती है, ठीक है ना, सिलिकेट्स आर सैंड टाइप के पार्टिकल्स, SiO2। अरी बात समझ में। अब ये सिलिकेट्स जो रहते हैं इनको रिमूव करना हमारा क्या रहता है, पर्पस रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसको हम लोग पानी में डाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है इस तरीके का, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हमारे काम का नहीं होता, ठीक है। हम लोग ये रिएक्शन क्यों करवाते हैं, ताकि ये जो इम्प्योरिटी है, ये जो इम्प्योरिटी है कौन सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगी तो ये NaSiO3 जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम सिलिकेट, क्या कहते हैं, सोडियम, इस फॉर्मेट में अलग हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो सोडियम सिलिकेट क्या होता है, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है पानी में, तो इस इनसॉल्युबल चीज को आप क्या करते हो, अलग कर लेते हो। लेकिन मुद्दा क्या था कि मुझे सोडियम और एल्यूमिनियम साथ में नहीं चाहिए होते, तो क्योंकि मुझे सोडियम और एल्यूमिनियम साथ में नहीं चाहिए होते, मुझे सोडियम को क्या करना है, रिमूव करना है, तो मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा देती हूँ। किससे रिएक्ट करवा देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से। जब मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे मिलता है Al2O3.xH2O plus NaHCO3, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, सोडियम और ये अलग हो गया, लेकिन अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे क्या चाहिए था, Al2O3, और ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे मिला है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। क्या मिला है, हाइड्रेटेड। तो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसमें से क्या करना है, पानी अलग करना है। तो एंजल ने बोला कुछ नहीं करेंगे दीदी, इसको हीट कर देंगे। जब हम लोग इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो एल्यूमिना और पानी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और एल्यूमिना और पानी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो क्या होगा, मुझे मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्योर, यानी कि बॉक्साइड और अपने प्योर फॉर्मेट में मिल जाएगा। इज दैट क्लियर?